हेलो दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजू टेक्निकल में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा चौथा पार्ट है। अगर पहला, दूसरा, तीसरा नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको जाकर देखिए, तब ये आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तथा पृथक कार्य पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का प्रावर्तन कहते हैं। मतलब कि अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको प्रकाश का प्रावर्तन समझाऊंगा और उसका नियम भी समझाऊंगा। मतलब कि प्रकाश का प्रावर्तन का नियम भी समझाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट है। ये मान लीजिए कि हमने एक दर्पण यहाँ पे लिया, जैसे कि मान लीजिए ये एक दर्पण लिया। आप सभी लोग जानते हैं कि जिसे मतलब कि जिससे प्रकाश का परावर्तन हो सकता है उसे हम लोग दर्पण बोलते हैं, आप सभी ने जानते हैं। तो दर्पण के जो पिछले सतह यानी कि जो पॉलिश सतह है उसे पॉलिश सतह बोलते हैं, और ये जो दर्पण का प्रावर्तक सतह है, मतलब कि दर्पण जिसके ओर प्रकाश का प्रावर्तन हो सकता है उसे प्रावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। जहाँ से प्रावर्तन हो सकता है, दर्पण के जिस ओर पॉलिश क्या होता है उसे कहते हैं दोस्तों पॉलिश सतह, और दर्पण के जिस ओर प्रावर्तन होता है उसे कहते हैं प्रावर्तक सतह। यानी कि ये जो है यह सतह है इस ओर और यह सतह है इस ओर, तो इसे बोलते हैं पॉलिश सतह और इसे बोलते हैं प्रावर्तक पृष्ठ। तो अब ध्यान से देखना, अब दर्पण पे एक किरण आती है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये जो किरण है ये आपतित किरण है, आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। नाम दे दो इसका, पी क्यू है, पी क्यू दिया हुआ है। तो पी क्यू जो है ये क्या है, आपकी आपतित किरण है। किस बिंदु पर आई है, क्यू बिंदु पर आई है, ठीक है। तो बिंदु क्यू जो है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, यानी कि ये जो क्यू बिंदु है इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। तो भैया आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। ये किरण आ रही है, इसका नाम है आपतित किरण। जिस बिंदु पर आई है यानी कि जिस बिंदु पर आई है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, ठीक है। आपतन बिंदु पर पृथककारी पृष्ठ या प्रावर्तक पृष्ठ, अगर हम एक 90 डिग्री की यहाँ पे लाइन बनाऊँ, ये 90 डिग्री के लाइन है, देख सकते हैं ये सीधा है, ये 90 डिग्री का लाइन है। तो अर्थात आपतन बिंदु पर प्रावर्तक पृष्ठ से लंबवत अगर हम ऐसे एक लाइन बनाऊं तो ये क्या है, अभिलंब है, आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो इस बिंदु को जिस बिंदु पर प्रकाश आया है उसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, और उस आपतन बिंदु पर 90 की लाइन अभिलंब, तो वो क्या कहलाता है, आपका आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो अभिलंब आपने समझ गया, आपतित किरण आपने समझ गया। अब दोस्तों है यहाँ पे प्रावर्तित किरण। अब प्रकाश आया है तो यह टकरा कर वापस जाएगी। तो ये किरण टकरा कर वापस जाने वाली किरण को बोलते हैं प्रावर्तित किरण। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे यह देखो एक कोण बन रहा है, यहाँ पे अभिलंब है और यह आपतित किरण है, ठीक है। तो कोण किनके मध्य बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में यह कोण बन रहा है, जिसे आई बोलते हैं। और आई का मतलब होता है इंसिडेंट एंगल, यानी इंसिडेंट एंगल का मतलब होता है आपतन कोण। और इंसिडेंट एंगल और ये जो है आपतित किरण और ये जो है अभिलंब, यह दोनों के बीच बनने वाली कोण को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल यानी आपतन कोण, और इसको बोलते हैं आपतित किरण, जिसका अंग्रेजी होता है इंसिडेंस रे, और ये जो है प्रावर्तित किरण, इसका अंग्रेजी होता है रिफ्लेक्टिव रे, इसीलिए इसका नाम है रिफ्लेक्टिव एंगल, ठीक है।
आप समझ गए। तो आपने अभी देखा कि ये इसको आई क्यों बोलते हैं और इसको आर क्यों बोलते हैं। तो दोस्तों, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच बने कोण को इंसिडेंट एंगल यानी कोण आई, आपतन कोण, इसीलिए इसमें आई आ रहा है। और ऐसे ही एक है कोण यहाँ पर जो बन रहा है, ये कोण किनके मध्य है, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब के मध्य कोण, इस कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण आर, इस कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण आर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल। ठीक, अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ परावर्तन का नियम। परावर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के परस्पर एक समान होते हैं, मतलब कि आपतन कोण है ये आई और परावर्तन कोण है ये आर, मतलब आपतन कोण एंगल आई और परावर्तन कोण एंगल आर, तो ये एंगल आई किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले से लिख दिया है दोस्तों, कि आपको वीडियो के समय लिख के अच्छा है कि पहले लिख दूँ तो उसमें टाइम बचता है। तो उसके बाद देखिए ये आर क्या है, आर मतलब कि आर किसके बराबर है, आई के बराबर है। अगर कोई किरण 30 डिग्री पे आएगी तो ये 30 डिग्री पे ही वापस जाएगी, और यह किरण अगर 45 डिग्री पे आएगी तो 45 डिग्री पे ही वापस जाएगी। अगर कोई किरण 60 डिग्री पे आएगी तो ये 60 डिग्री पे ही वापस जाएगी। इसका मतलब कि कौन आई किसके बराबर है, कौन आर के बराबर है, यह दोनों बराबर है। ठीक है, पहला नियम समझ गया। अब दूसरा नियम ये है कि ये जो है आपतित किरण, ये जो है परावर्तित किरण, ठीक, और ये जो है अभिलंब, यानी कि ये किस तल में है, अभी किस तल में है, अभी आप प्रकाश को कुछ देर के लिए भूल जाइए, और यहाँ पे अभी ये जो है ये पेपर और मेरे यहाँ मेरी ये पेन जो है, पेपर पेन और ये रेखा को अभी कुछ देर के लिए प्रकाश मानिए, तो इस रेखा को बोलते हैं आपतित किरण। तो ये रेखा है आपतित किरण, आपकी आपतित किरण किस तल में आ रही है, तल का मतलब होता है कि एक्स और वाई से मिलकर बनने वाले ज्यामिति को हम तल बोलते हैं। अगर ये प्रकाश किरण इस तरह आ रही है, इस तरह आ रही है, तो इसका तल है, इसका तल क्या है, वाइट पेपर ही है, यानी कि मैं पेपर पे अभी लिख रहा हूँ। अब समझो ध्यान से, यहाँ पे ये जो प्रकाश किरण आ रही है, ये जो प्रकाश किरण आ रही है, इसका तल क्या है, ये प्रकाश की किरण वाइट पेपर के साथ ही आ रही है, यानी कि अभी कुछ देर के लिए मैं पेपर को मान रहा हूँ और रेखा को किरण मान रहा हूँ, और मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। ठीक, तल क्या है, ये प्रकाश किरण वाइट पेपर के साथ आ रही है, इसका मतलब वाइट ये पेपर ये इसका तल है, तो आपतित किरण का तल क्या हुआ, वाइट पेपर। ये अभिलंब आपने ये जो बनाया है अभिलंब, ये अभिलंब का तल क्या है, वाइट पेपर। तो अब आप समझ रहे हैं कि ये भी आ रही है किरण, इसका भी तल है वाइट पेपर, ये जो इस पे अभिलंब 90 की है, ये भी इसका तल क्या है, वाइट पेपर, और इससे जो यहाँ पे परावर्तित हुआ इसका भी तल क्या है, वाइट पेपर। अब आप समझ सकते हैं कि इसका तीनों का तल एक ही है। प्रकाश का परावर्तन ये कहता है कि प्रकाश की किरण जिस तल से, मतलब जिस तल में आई है उसी तल में वापस जाएगी, मतलब कि अगर प्रकाश यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं तो ये ऐसे नहीं जा सकता है, मतलब ऊपर, अभी आपको ऊपर दिख रहा है तो ये ऊपर नहीं जा सकता, ऐसे नहीं जा सकता, ये गलत है। प्रकाश की किरण जिस तल में आई है उसी तल में वापस जाएगी। एक बार और मैं आपको अच्छा से समझा देता हूँ कि ये है प्रकाश की आपतित किरण और ये है एक 90 की लाइन जिसे आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो ये किरण आई है तो ऑटोमेटिक है कि ये टकरा करके वापस जाएगी, टकरा कर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण और आने वाली किरण को आपतित किरण, इसका अंग्रेजी है इंसिडेंस रे और इसका अंग्रेजी है रिफ्लेक्टिव रे, और ये दोनों के मध्य बनने वाली कोण को आई कोण
यानी एंगल आई इंसिडेंट एंगल, और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण यानी रिफ्लेक्टिव एंगल। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे आती है, ये पहला नियम हुआ कि आपतन कोण आई और अपरावर्तन कोण आर, यह दोनों क्या है, दोनों एक ही जैसा है, यानी कोण दोनों का एक ही जैसा है। ये भी 90 पे है तो इसका भी कोण इधर बन रहा है कुछ, इसका भी कोण इधर बन रहा है कुछ, तो ये दोनों क्या है, दोनों प्रकाश की किरण जो जिस बिंदु पर ये कोण बन रही है दोनों कोण सेम है दोस्तों। यानी कि प्रकाश की किरण जिस बिंदु पे आई है उसी बिंदु पर टकरा के वापस जाएगी, और ये जिस कोण पे आई है यही इसी कोण पे वापस चल जाएगी टकरा के। तो कोण आई और कोण आर ये प्रकाश का पहला नियम हो गया, सॉरी तो प्रकाश के परावर्तन का ये पहला नियम हो गया। ठीक है, पहला नियम में आप सीधा बोल देना कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, और दूसरा नियम जो ये थोड़ा टेढ़ा लगता है सुनने में लेकिन दूसरा है कि आपतित किरण अभिलंब परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, लेकिन तल का मतलब यहाँ पे समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तल होता क्या है। अगर तल आप समझ गए तो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम आपके लिए कुछ भी नहीं है। यानी प्रकाश के परावर्तन ये पहला तल है, यानी सॉरी ये तीनों एक ही तल में है, यानी वाइट पेपर ये इसका तल है और ये भी इसका वाइट पेपर ही तल है, ये भी इसका वाइट पेपर ही तल है। तल का मतलब होता है कि कोई भी किरण जिस तल में, मतलब कि किरण को संभालने वाला एक ऐसा पथ, तो उसे ही तल बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपने परावर्तन समझ लिया। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, बाय।